हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HDFC एर्गो के हेल्थ सुरक्षा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इस प्लान की पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। इसकी एक नहीं, दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर, मतलब कि दो कैटेगरी हैं, जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, आइदर आपसे इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। मेरा नाम है अमितराज शर्मा, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस अपने प्यारे चैनल पे। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ प्लान की दोनों कैटेगरी के बारे में। पहली कैटेगरी है सिल्वर, दूसरी कैटेगरी है गोल्ड। दोनों ही कैटेगरी के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बिल्कुल सेम है। मिनिमम एज एंट्री जो है बच्चों की वो है 91 डेज, और जो एडल्ट की मिनिमम एज एंट्री है वो है 18 डेज। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप ये प्लान इंडिविजुअल ना लेकर के फैमिली फ्लोटर के रूप में लेते हो तो आपके बच्चे की एज अगर 21 ईयर्स तक है तो वो अंडर द फैमिली फ्लोटर आएगा, आइदर आपको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अब बात आती है यहाँ पे कि मैक्सिमम एज लिमिट तो इसमें है नहीं, दोनों ही कैटेगरी के अंदर नहीं है, बट अगर आपकी एज अप टू 45 ईयर्स है तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना होगा, आपको मेडिकल चेकअप अपना कराना होगा, उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, उसके बेस पे ही आपको पता चलेगा कितना आपका प्रीमियम होने वाला और आपको कवर मिल जाएगा। अब बात हम करेंगे दोनों ही कैटेगरी के बेनिफिट की। तो 60 डेज का आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें अंडर द कवर मिलता है, और 90 डेज का आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अंडर द कवर मिलता है। इसी के साथ में पर एडमिशन जो होता है आपका हॉस्पिटल में, जब हम बीमार हो जाते हैं अचानक से हमें जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, और ऐसे में अगर हमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो 2000 रूपये तक, ज्यादा से ज्यादा 2000 रूपये तक आपको मिल सकते हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन आपके एम्बुलेंस एक्सपेंसेस के रूप में। 144 डे के ट्रीटमेंट इसमें अंडर द कवर आते हैं, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है प्लान में कि आपको कोई रूम पे कैपिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है। और इसी के साथ अगर आपको कोई सब डिजीज होती है, जैसे कि हमारा डे के ट्रीटमेंट में क्या होता है, कई प्लान के अंदर हमें कैपिंग लगा देते हैं कि इस डिजीज का हम इतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। दोनों ही कैटेगरी के अंदर आयुष बेनिफिट आपको अंडर द कवर मिलता है। आयुष बेनिफिट का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, राइट, आपका यूनानी ट्रीटमेंट, ये अंडर द कवर है। लेकिन एक टर्म्स दोनों ही कैटेगरी में अवेलेबल है, अगर आप आयुष ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले रहे हैं, जिस डिजीज के लिए आप आयुष ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले रहे हैं, क्लेम ले रहे हैं, अगर उस डिजीज के चलते आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको अंडर द आयुष आपको मिल चुका है, आप उसका क्लेम ले चुके हो। और दोनों ही कैटेगरी के अंदर आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट अंडर द कवर मिल जाता है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब है वो ट्रीटमेंट जो आपको घर पे रह के कराना पड़ रहा है, जिसके लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे, या इसका मतलब दूसरे शब्दों में साफ साफ ये होता है कि एक इंसान की इतनी ज्यादा हालत खराब होना कि वो हॉस्पिटल में ले जाने लायक नहीं है, उसका घर रह के ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हॉस्पिटल में नहीं है, ले जाने लायक नहीं है। तो ऐसे में जो ट्रीटमेंट घर पे होता है 3 डेज तक चलता है, तो उसका जो रिप्लेसमेंट होता है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का क्लेम ले लेते हैं तो जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है उसका क्लेम आपको नहीं मिल पाता है। और वैसे भी डोमिसिलरी कंडीशन एक बहुत ही भयानक कंडीशन है, क्योंकि इस कंडीशन के बाद में अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, उसको एडमिट करना पड़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में सरवाइव करना एक इंसान के लिए। इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूं दोनों ही कैटेगरी के अंदर, सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर आपको नो क्लेम बोनस देखने के लिए मिलता है, जो बराबर है वो है 5% का। अगर मान लीजिए क्लेम फ्री ईयर आपका रहेगा तो आपके समर शॉर्ट का 5% आपके समर शॉर्ट में ऐड हो जाएगा, जिसका कोई प्रीमियम आपको नहीं पे करना होगा। उसी के साथ मान लीजिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर तक आपका कोई क्लेम ही नहीं हुआ है तो आपको अप टू 5000 रुपीज तक मैक्सिमम मिल सकते हैं आपके अपने हेल्थ चेकअप के लिए। अब तक जो बेनिफिट मैंने आपको बताया वो टोटेलिटी में सेम थे सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में, लेकिन अब जो बेनिफिट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ओनली गोल्ड ऑप्शंस में ही अवेलेबल है, मतलब कि हेल्थ सुरक्षा गोल्ड जो ऑप्शन है इसका उसमें ही अवेलेबल है, सिल्वर में नहीं है। सबसे पहले तो आता है गोल्ड कैटेगरी में आपका मैटरनिटी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अंडर द कवर आते हैं, जो कि सिल्वर में नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी अंडर द कवर आता है गोल्ड कैटेगरी में, जो कि सिल्वर में नहीं है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो मैटरनिटी जो एक्सपेंसेस अंडर द कवर आ रहे हैं उसके लिए 48 मंथ का लॉकिंग पीरियड है, उसके बाद ही वो अंडर द कवर आएंगे। सिल्वर कैटेगरी में भी आप ये बेनिफिट एनरोल ले सकते हो, लेकिन ये वहां पे ऑप्शनल है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। इसी के साथ में आपको जो क्रिटिकल इलनेस के लिए जो ई ओपिनियन होती है वो आपको अंडर द कवर मिलती है गोल्ड कैटेगरी में, और सिल्वर के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होती है। गोल्ड कैटेगरी में एक ऑप्शन मान लीजिए, जिसने ये पॉलिसी ली है अगर वो 10 डेज तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है
तो अप टू 10,000 रुपीज तक उनको मिल सकते हैं पॉलिसी होल्डर को उनके अकाउंट में एचडीएफसी एर्गो की तरफ से। तो जो बेनिफिट मैंने आपको अभी बताया ये ओनली गोल्ड में सिल्वर में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल बेनिफिट हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं, वो आप देख के आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों ही कैटेगरी में लॉकिंग पीरियड की। देखिए 30 डेज का तो आपको नॉर्मल लॉकिंग पीरियड मिलता है जो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बिगनिंग में। जैसे कि आज पॉलिसी मैंने ली तो नेक्स्ट 30 डेज तक मैं एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है बाइक से किसी तरीके से, तो वो अंडर द कवर तुरंत आ जाता है, उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड यहाँ पे नहीं है, नॉर्मली 30 डेज का है। जो प्री स्पेसिफाइड इलनेस होती है जैसे कि आपका कैटरेक्ट है, स्टोन है, हर्निया, इस तरीके की जो बीमारी है वो 2 साल के बाद अंडर द कवर आती है, राइट, दोनों कैटेगरी में। और जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो पहले से चलती आ रही है बीमारियां, वो 48 मंथ यानी कि 4 साल के बाद अंडर द कवर आएंगी। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 15 डेज का फ्री लुकअप पीरियड मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके गलती कर दी है, आपने आपको या किसी ने आपको मिस सेलिंग कर दिया, मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो 15 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दो और ऐसे बेनिफिट जिसको आप लेना चाहे ले सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसा खास नहीं है वो। पहला है आपके नो क्लेम बोनस को डबल करने का। जैसा मैंने आपको बताया था अगर आप क्लेम फ्री ईयर रहता है तो 5% मिलता है, ये आप डबल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 2.5% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा, तब जाकर के ये 10% होगा, राइट। जो आप और 10% होगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डबल में वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो वो 5% से 50% हो रहा था, तो ये 10% से 100% होगा, जो ओवर द पीरियड आपके समर शॉर्ट में एड होता रहेगा, जिसका एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको इन फ्यूचर पे नहीं करना होगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रीगेन। रीगेन का मतलब बहुत ही सिंपल आपको समझा देता हूं। मान लीजिए 5 लाख रुपए का समर शॉर्ट आपकी पॉलिसी का है और वो यूज हो गया, राइट, 365 दिन से पहले ही वो यूज हो गया, तो ऐसे में अगर आपने रीगेन ऑप्शन लिया है और आपने 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है इस ऑप्शन के लिए, तो आपको यहाँ पे ऑटो लोडेड आपको 5 लाख रुपीज का और कवर मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो इस ऑप्शन को ले सकते हैं। यही है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, राइट, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ जहां पे आपको ब्राउचर मिल जाएगा, आपको वहां पे कैलकुलेशन कर पाओगे, प्लान के प्रोडक्ट के जितने भी बेनिफिट मैंने बताए वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मतलब सारी पावर आपको दे दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, रेफरेंस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे रिसर्च की थी कि इसके जो हॉस्पिटल नेटवर्क है वो कितना बड़ा है। एचडीएफसी की वेबसाइट ये बोलती है कि इनके पास 9,000 है, लेकिन एक एचडीएफसी का मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, वो बोलता है कि 5,000 ही है। उसी के साथ मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो कोई बोलता है 4,000 है, कोई बोलता है 6,000 है, तो मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है, अगर आपका एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है आप वहां जाना डायरेक्टली ब्रांच पर, वहीं से जाके प्लान लेना और डायरेक्ट 1-to-1 अपना जो वहां पे आपका रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो ही आपको एग्जैक्टली इस बारे में बता पाएगा, क्योंकि जितने ब्लॉग उतनी ओपिनियन है, राइट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है वीडियो बेकार है, बकवास है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूं। चलता हूं, विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले जरूर कहूंगा इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, तो खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज आपको वीडियो में कट बहुत देखने के लिए मिले होंगे, उसका मतलब बस सिर्फ इतना सा है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीने कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और आसपास बहुत ज्यादा शोर है, खिचड़ी मच रखी है।